हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2002 में रिलीज हुई एक हॉरर सुपरनेचुरल मूवी जिसका नाम है घोस्ट शिप। तो अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत 1962 से होती है जहां हम एक लग्जरियस शिप को देखते हैं जिसका नाम ग्राजा था। यहां एक लेडी सिंगर फ्रांचेस्का अपनी आवाज से सभी को एंटरटेन कर रही थी और सभी कपल्स एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। यहां भीड़ से अलग हम एक छोटी लड़की को देखते हैं। उसके साथ कोई डांस करने वाला नहीं था तो इसलिए वो अकेली ही बैठी थी। तभी शिप का कैप्टन उसे नोटिस करता है और वो उसके साथ डांस करता है। लेकिन तभी इस पार्टी से दूर हम एक इंसान को एक लीवर खींचते हुए देखते हैं जिससे किसी तरह का वायर निकल गया था जो कि पैसेंजर्स को चीरता हुआ निकल जाता है जिनसे सबकी बॉडी बीच में से डिवाइड हो जाती है सिवाय कैटी के जो कि अपनी हाइट की वजह से बच गई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है 40 साल बाद जहां हम एक सैल्वेज क्रू को देखते हैं जो एक शिप को रेस्क्यू कर रहा था जिसका नाम था मर्फे जो कि अपनी टीम को लीड कर रहा था। यहां वो उस शिप को रेस्क्यू करने में सफल होते हैं और इस काम को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक पब में जाते हैं। तभी वहां उन्हें एक आदमी जैक मिलता है जो कि मरीन बिजनेस में काम किया करता था और वो मरी की टीम को 1962 की एक घोस्ट शिप के बारे में बताता है जो कि गायब हो गई थी जिसे लेकर एक रूमर था कि उसमें बहुत सारा गोल्ड मौजूद है और उसे अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। ये सब सुनकर वे टीम उसकी बातों में इंटरेस्ट लेती हैं और सब उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं और वे अगले दिन अपने सैल्वेज बोट लेकर उसकी खोज में निकल जाते हैं और कुछ दिनों के लंबे सफर के बाद वे अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। लेकिन उनका ट्रैकर आसपास कोई भी शिप नहीं दिखा रहा था और ये देखकर उन्हें लगता है कि ऐसी कोई भी शिप नहीं है। लेकिन तभी वे अपने सामने एक बहुत बड़ी शिप को देखते हैं। वे उस शिप से टकरा जाते हैं पर किस्मत से उसका इम्पैक्ट उतना तेज नहीं था जिससे कोई डैमेज हो। यहाँ सभी आपस में बात करते हैं कि पहले अंदर कौन जाएगा तो जैक और उनके क्रू में से ग्रीर वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं और बाकी के चार लोग उस शिप में एंटर करते हैं। वहां पहुंचते ही उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं। वे कुछ आवाजें सुनते हैं और अंधेरे में चीजों को हिलते हुए भी देखते हैं पर इसका कारण वे तेज हवा को समझते हैं और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। तभी उनके पीछे कुछ डाइस आपस में मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, वेलकम अब्रॉड। आगे जब वे फिश के अपर वाले डेक में होते हैं तो उनके क्रू में से एक मेंबर मंडर एक हॉल में गिर जाता है लेकिन उसे उन्हीं के क्रू की एक लड़की मोरेन बचा लेती है। जब वो उसे ऊपर खींच रही होती है तभी वो वहां उसी छोटी लड़की कैटी को नोटिस करती है लेकिन कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गई थी। मोरेन को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है पर वो इसके बारे में किसी को नहीं बताती। कुछ देर बाद वे वहां एक डिजिटल वॉच को नोटिस करते हैं जिसका 1962 में होना इम्पॉसिबल था तो वो सोचते हैं कि शायद उनसे पहले इस शिप में कोई आया होगा। यहां बाद में कैप्टन सभी से अगले दिन उस शिप को सर्च करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो शिप काफी बड़ा था इसलिए रात को उनके लिए ये मुश्किल था। यहां रात में जब मोरेन अकेली होती है तो उसके पास जैक आता है। बातों के दौरान मोरेन जैक को उस लड़की के बारे में बताती है पर जैक इसे मोरेन का वहम बताकर उसे आराम करने के लिए कहता है। अगले दिन जब पूरा क्रू शिप को चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि वे धीरे धीरे समुद्र में डूब रहे हैं क्योंकि उनका बेस बुरी तरह से डैमेज था तो वे सभी उस शिप को ठीक करके उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सभी अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मोरेन शिप की जाँच कर रही थी जहाँ उसे एक स्विमिंग पूल का एरिया मिलता है। वो पूल के अंदर बुलेट के मार्क्स देखती है जिन्हें देख मोरेन को काफी अजीब लगता है क्योंकि रिपोर्टर्स के हिसाब से शिप के पैसेंजर्स की मौत डूबने के कारण हुई थी। जब वो उस पुल से बाहर आ रही थी तो तभी उसके सामने कैटी आ जाती है। वो उसे देखते ही घबराकर नीचे गिर जाती है जिससे उसके सर से खून बहने लगता है लेकिन जब वो उठ के दोबारा उस जगह देखती है तो उस जगह उसे जैक खड़ा मिलता है। बाद में वे दोनों वहां से जाने लगते हैं जहां हम देखते हैं कि मोरेन का ब्लड पूल से अपने आप गायब हो गया था जहां उन बुलेट्स मार्क में से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है जिससे
वो पूरा पूल खून से भर गया था। इसके बाद जैक और मोरीन एक लॉन्ड्री रूम में पहुंचते हैं और वहां से एक डोर को देखते हैं, जिसे खोलते ही उसमें से ढेर सारा पानी निकलता है जिसमें बहुत से लोगों की डेड बॉडीज थी। ये देखकर जैक और मोरीन दोनों डर जाते हैं और वे जल्दी से वहां से निकलते हैं। पीछे हम देखते हैं कि वो रूम अपने आप क्लोज हो चुका था। यहाँ दूसरी तरफ कैप्टन मर्फी शिप के कैप्टन लॉज में पहुंचते हैं, जहां वे एक खुली शराब की बोतल को देखते हैं। लेकिन जब वे उस शराब को ग्लास में डालते हैं तो मिरर में उन्हें इस शिप का असली कैप्टन दिखाई देता है, जिसे देख उनके हाथों से वो ग्लास गिर जाता है और वे काफी डर जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम ग्रेयर को देखते हैं, जिसे किसी के गाने की आवाज आ रही थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि फ्रांचेस्का थी, जो 1962 में अपनी परफॉर्मेंस से पैसेंजर को एंटरटेन कर रही थी। ग्रीर काफी कोशिश करता है आवाज के पीछे जाने की, पर उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन उसके पीछे हम एक लेडी को देखते हैं जो उसे ही देख रही थी। यहाँ दूसरी ओर जैक और मोरीन को कुछ ब्लॉक्स मिलते हैं जो कि गोल्ड से लोडेड थे और उनकी कीमत करोड़ों में थी। वे उस जगह सभी क्रू मेंबर्स को बुलाते हैं और अब उन्हें शिप को रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ गोल्ड को अपने साथ ले जा सकते थे। अगले सीन में सभी उन ब्लॉक्स को अपनी बोट में लोड कर रहे थे। यहाँ क्रू का मैकेनिक सैंटोस इंजन को साफ कर रहा था और बस सभी जल्दी ही यहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन यहाँ कोई सिलेंडर की गैस को लीक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसमें सैंटोस मारा जाता है। उनकी बोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सभी बोट और सैंटोस की डेथ से शॉक हो गए थे और अब वे यहाँ से बाहर तभी निकल सकते हैं जब वे इस शिप को रिपेयर कर ले। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैटी मोरिन को हादसे से पहले वार्न करने आई थी, लेकिन किसी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। इतने इंसिडेंट होने के बाद मोरिन अब कैटी के बारे में पता लगाती है। वो पैसेंजर्स की रजिस्ट्री को देखती है। यहाँ उसे कैटी का रूम नंबर मिलता है, लेकिन जब वो उसके रूम में पहुँचती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ उसे कैटी का कंकाल लटका हुआ मिलता है। लेकिन हिम्मत करके वो कैटी के कंकाल से उसका नेकलेस लेती है। तभी वो अपने पीछे कैटी की स्पिरिट को देखती है। मोरिन उसे उसका नेकलेस देती है, पर वो उसके हाथ से आर पार हो गया था। मोरिन को ये देखकर अब क्लियर हो गया था कि कैटी कोई इंसान तो नहीं है। यहाँ किचन में दो क्रू मेंबर्स को एक फ्रेश खाना मिलता है और भूखे होने की वजह से वे उसे खाने लगते हैं। उन्हें वो काफी टेस्टी लगता है, लेकिन तभी वो खाना कीड़ों में बदल जाता है और ये देखकर वे वोमिट करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम ग्रीर को देखते हैं, जो कि बॉल रूम में था, जहाँ वो जगह एक बार फिर से वैसी ही हो जाती है जैसे पहली हुआ करती थी, और वो अपने आसपास बहुत से लोगों को देखता है जैसे कि वहाँ कोई पार्टी हो रही हो। तभी वहाँ फ्रांचेस्का आकर ग्रीर के साथ फ्लर्ट करने लगती है और इससे ग्रीर मैनिपुलेट होकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो उसे अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पहुँचते ही वो अपने असली रूप में आकर ग्रीर को मार डालती है। कुछ देर बाद हम मर्फे को कैप्टन रूम में देखते हैं। तभी वो एक बोतल को अपने आप मूव करते हुए देखता है और वो अपने सामने शिप के कैप्टन को बैठे हुए देखता है, जो कि उसे ड्रिंक ऑफर करता है। ये देखकर मर्फे काफी डर जाता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो सिर्फ उससे बात करना चाहता है। जहां कैप्टन उसे एक गायब शिप के बारे में बताता है, जिसका नाम था लॉर्ड लाए, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। लेकिन एक दिन कैप्टन की शिप ग्राजा को वो शिप मिला और साथ में उन्हें उस शिप में ढेर सारा गोल्ड मिला, जिसे उन्होंने गर्जा पर रख लिया। लेकिन उसके ठीक दो दिन बाद गर्जा भी उसी शिप की तरह गायब हो गया। और यहाँ कैप्टन मर्फे को एक पिक्चर दिखाता है, जिसे देख उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। यहाँ दूसरी ओर कैटी मोरिन के साथ थी, जहाँ कैटी उसे कहती है कि जो भी यहाँ 40 साल पहले मरा था वो अभी तक यहीं पर फंसा हुआ है, किसी को भी मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि एक ताकत ने उन्हें रोक कर रखा है और यहाँ से निकलने के लिए उन्हें इस शिप को तबाह करना होगा। लेकिन इससे पहले कि कैटी कुछ और बताती, दीवारों का रंग चेंज होने लगता है, जिसे देख कैटी मोरिन को यहाँ से जाने के लिए कहकर गायब हो जाती है। यहाँ स्विमिंग पूल एरिया में मर्फे बाकी लोगों को ढूंढ रहा था, जहाँ उसे शिप के रास के बारे में पता चल गया था, तो वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर रास्ते में उस पर सैंटोस की स्पिरिट हमला कर देती है और अब उसे हर जगह सैंटोस ही दिखाई देने लगा था। और इसी के चलते जब वहाँ मोरिन आती है तो उसमें भी वो सैंटोस को देखकर उस पर हमला कर देता है, और तभी वहाँ जैक आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और बोट में मर्फे
सेल्फे को एक फिश टैंक में लॉक कर देता है। इतना सब देखने के बाद क्रू के लोग गोल्ड की परवाह ना करके बस यहाँ से निकलना चाहते थे और वे अब इस शिप को रिपेयर करते हैं, जहाँ वे उसे ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ ग्रीर अभी तक किसी को नहीं मिला था, जिससे वे काफी टेंशन में थे। तो मुरीन उसे ढूंढने निकल पड़ती है, जहाँ एक बार फिर कैटी उसके सामने आकर उसे ग्रीर की डेड बॉडी दिखाती है और वो कैटी को वो सब बताती है जो 40 साल पहले इस शिप पर हुआ था। वो मुरीन को टच करती है, जिससे मुरीन पास्ट में आ जाती है, जहां वो सभी पैसेंजर्स को एक बार फिर से जिंदा देखती है। यहां शिप के को कैप्टन ने गोल्ड के लालच में अपने क्रू मेंबर्स को शिप के सभी लोगों को मारने के लिए कन्फेस कर लिया था, जहां शिप के कुक्स सभी के खाने में रेड पॉइजन मिला देते हैं, जिससे बहुत से लोग मारे जाते हैं और फिर वो वायर वाला इंसिडेंट होता है। आगे बाकी बचे हुए लोगों को मारकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाता है। वे कैटी को पकड़कर उसके रूम में ले जाते हैं और उसे फांसी लगा देते हैं। बाद में क्रू मेंबर्स गोल्ड की तरफ भागते हैं। तभी हम फ्रांचेस्का को देखते हैं, जो को कैप्टन के साथ मिली हुई थी, और वो को कैप्टन यहाँ अपने सभी क्रू मेंबर्स को भी मार डालता है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही फ्रांचेस्का उसे धोखा देकर को कैप्टन के सर पर ही गोली मार देती है। तभी हमें पता चलता है कि फ्रांचेस्का किसी और के साथ मिली हुई थी और ये आदमी ही इस खेल का असली मास्टरमाइंड था। वो दोनों आपस में किस करते हैं, लेकिन तभी वो आदमी फ्रांचेस्का को एक हुक के जरिए मार डालता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक था, जो कि एक डिमोनिक स्पिरिट था जो लोगों से पाप करवा कर उन्हें मार डालता है और उनकी आत्माओं को नर्क में ले जाता है। यही उसका काम था। अब मुरीन को सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि वो जैक ही था जिसने उन्हें उस शिप के बारे में बताया और स्विमिंग पूल में कैटी की जगह वो कैसे पहुंचा, और वो जैक ही था जो हर बार उसे कैटी को उसका एक वहम बता रहा था। बाद में मुरीन मर्फे को बचाने उस टैंक की ओर भागती है, पर वहाँ पहुँचने पर मर्फे टैंक में पानी भरने के कारण मर चुका था। ये देखकर वो जल्दी से बाकी क्रू मेंबर्स को वार्न करती है। मॉरिन मंडर के बारे में पूछती है, जहाँ हम मंडर को पानी के अंदर इंजन फिक्स करते हुए देखते हैं। उसको वार्न करने मुरीन उसकी तरफ जाती है, लेकिन मुरीन वहाँ पाइप में ब्लड को नोटिस करता है, क्योंकि किसी ने मंडर को भी मार डाला था और अब सिर्फ दो ही क्रू मेंबर्स बचे थे, जिसमें थे मुरीन और डोज। यहाँ मुरीन डोज को जैक पर नजर रखने के लिए कहती है और शिप पर एक्सप्लोजन लगाने चली जाती है। लेकिन जब डॉज और जैक अकेले होते हैं तो जैक उस पर हमला कर देता है। यहाँ डॉज अपनी गन चला देता है और उसे लग जाती है और डॉज उसे मरा हुआ देखता है। आगे वो मुरीन के पास जाकर उसे जैक के बारे में बताता है। यहाँ मुरीन भी शिप पर एक्सप्लोजन लगा चुकी थी, तो डॉज मुरीन से कहता है कि वे अब इस गोल्ड को लेकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मुरीन को उसकी बातों पर शक होता है और वो मना कर देती है, और तभी रिवील होता है कि वो डॉज नहीं बल्कि जैक था, जो कि मुरीन से पाप करवाना चाहता था ताकि वो उसे भी मार सके। पर उसे पता था कि मुरीन एक अच्छी इंसान है, इसलिए वो उसे एक ऑफर देता है कि वो उसकी जान बख्श देगा अगर उसने उसके काम में टांग नहीं अड़ाई। लेकिन मुरीन उसकी बात ना मानकर एक्सप्लोजन का बटन दबाकर शिप से कूद जाती है और जैक के साथ साथ पूरी शिप के टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ मुरीन पानी के अंदर एक जगह फंस जाती है, लेकिन कैटी आकर उसे बचा लेती है और आखिरकार इस शिप के सभी स्पिरिट्स फ्री हो जाती हैं। अगले दिन एक क्रूज शिप मुरीन को ढूंढ लेती है और उसे रेस्क्यू कर एम्बुलेंस में भेजा जाता है। तभी वो नोटिस करती है कि उस क्रूज शिप में उसी गोल्ड को शिफ्ट किया जा रहा था और वो उनमें जैक को नोटिस करती है, जो कि अभी भी जिंदा था, और मुरीन की चिल्लाने के साथ ही एम्बुलेंस का डोर बंद हो जाता है। गाइज, मूवी यही एंड हो जाती है, और आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।